डिस्कस दिस आइडिया विद माय हस्बैंड, ही इज ग्रेट ग्रेट सपोर्ट फॉर मी. ओके, जी ले अपनी जिंदगी जो करना है कर, मैं तेरे को फाइनेंस दूंगा. दैट वाज द बेस्ट पार्ट. जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी. ओके, सो ही वाज रेडी टू फाइनेंस मी. मैंने ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा बिजनेस में. तो फर्स्ट रेडी हूं. मेरा कुछ इवेंट आ रहा है, उसमें स्पोंसर ना ना बोल दी उसने. गाइस फैंस ना बोल दी उसने. मेरे पास उनका नंबर है अभी. और एक था मेरे को, वो एक बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन पूछना है. लाइक यू बीन देयर सिंस 2 इयर्स आई बिलीव इन द बिजनेस, राइट? यस. तेरे शौहर को क्यों छुपा के रखा है तुमने, बता मेरे को. बस नहीं लाना है उनको किसी के सामने. क्यों? हेलो एवरीबॉडी, आई एम आयशा शेख. वेलकम टू माय पॉडकास्ट चाय शाही विद आयशा, powered by Procast Studio Dubai and AMG Digitech Services, your one-stop solution for all your printing, designing and digital marketing services needs. So today we have our guest, my favorite, the John of AES, I can say, Hasmatu. She's everybody's favorite, I can tell you. And I think she's the brand ambassador of at least 12-13 communities ke brand ambassador ban gayi hai. Ye sab jagah chha gayi hai Dubai mein. So the one and only Sarika Nihal. Taali bajao re baba wahan se. Nahi taali bajao. I don't know if you guys can hear it. Bahut zor zor se baj rahi hai behind the scene mein. वेलकम सारिका. थैंक यू सर. लग रहा है तुमको मेरे से आज? नहीं. थैंक यू सो मच. इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने किया, थैंक यू सो मच. हाँ ना, चाय शाय के सीजन 1 में आई हूँ, मेरे को करना पड़ता है. अभी अपनी फेवरेट बंदी हो तो अभी और भी ज्यादा करना पड़ रहा है मेरे को. आप सबकी फेवरेट हो ना, इसलिए हम भी आपकी फेवरेट हो गए. प्लीज यार सारिका, इशू है टिश्यू मैंने तेरे लिए नीचे छुपा के रखा है. सो सारिका, अभी तेरा इतना अच्छा इंट्रो तो मैंने कर ही दिया, तूने सबकी फेवरेट कैसे बनी वो बता मेरे को. 6 महीने में जिस हिसाब से तू ग्रो हुई है सारिका, लाइक 1 ईयर अगो आई मेट यू, 6 मंथ्स अगो आई मीन लाइक इट वॉज नॉट इन दैट काइंड ऑफ अ फैंडम, तुम्हारा फेम वैसा नहीं था. आज के दिन अगर मैं बोलूँ हर एक को पता है निहारिका, तो मैं सारिका कम और निहारिका ज़्यादा बुलाती हूँ, राइट? यस. काई को बुलाते हैं निहारिका वैसे? निहारिका इज माई ब्रांड नेम, इसलिए ज़्यादा करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सारिका है कि निहारिका है. और व्हाट इज निहारिका देन? मेरे को मालूम है, इन लोगों को नहीं मालूम. निहारिका, माय हस्बैंड्स नेम इज निहाल, माय नेम सारिका, सो आई डिसाइडेड दैट आई विल क्लब बोथ द नेम्स, निहाल एंड सारिका मेक्स निहारिका. a+b=ab, a+b=c. सी बना दिया तूने. एंड देन व्हेन पीपल कॉल मी निहारिका, आई लव इट, बिकॉज़ लव इट ना, इट्स माय बेस्ट ब्रांड नेम है. आई थिंक तुमको तुम्हारे ब्रांड नेम से ज्यादा जानते हैं आजकल ना. तो मेरा ब्रांड नेम फेमस हो रहा है ना, आई एम ओके दे कॉलिंग मी निहारिका. हाई फाइव दे. थैंक यू. पता नहीं नेक्स्ट ईयर तक बंदी कहां तक पहुंच जाए. पॉडकास्ट में मिल गई, यहां ही रहूंगी आपके लिए, तो यही लेवल में रहूंगी, पहले कहीं पे भी पहुंच जाओ. हां प्लीज, हर एक सीजन में तूने ओपनिंग करनी है मेरी फिर. यस. ऑलराइट सारिका, मेरे को ना अभी एक बात बोल कि डिड यू ऑलवेज वॉन्ट टू बी इन ट्रैवल इंडस्ट्री, या फिर तेरे को कुछ और करना था? आई वॉन्टेड टू बी इन द ट्रैवल इंडस्ट्री, दैट इज माई ड्रीम विच हैज बीन फुलफिल नाउ. आई हैव बीन चेजिंग दिस ड्रीम राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बिकॉज माई डैड इज माई मोटिवेशन. ओके, ही इज ऑल्सो फ्रॉम ट्रैवल. ट्रैवल, या ही वॉज वर्किंग इन लार्सन एंड टुब्रो, बट वेन ही गॉट रिटायर्ड we took a farmhouse and he was you know handling that farmhouse and okay. then used to arrange the tours and travels okay to various places in India. to unse main motivate ho gayi. basically I come from the accounts background, travel se aisa kuch lena dena nahi hai. accounts se seedha travel mein jump kar di tune. yes. wow. so we main reason hai mera passion for travel, travels ke liye. yes. but jab kyun accounts ko chhodi वैसे भी बहुत काम किया accounts में. And that account job was never like 9 to 6. Okay. Pura din udhar slog karo, to socha let's be my own boss. And I decided to okay come into some business line. Job choda, bas main enjoy kiya. Ek saal India gayi. Then I said okay, I have to start something on my own. Okay. So I discussed this idea with my husband. He is a great, great support for me. Oh. Okay, जी ले अपनी जिंदगी जो करना है कर, मैं तेरे को फाइनेंस दूंगा. That was the best part. जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी. Yes. Okay. तो ही वॉज रेडी टू फाइनेंस मी. मैंने ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा बिजनेस में. तो फर्स्ट रेडी हुए. मेरा कुछ इवेंट आ रहा है, उसमें स्पॉन्सर ना ना बोल दी उसने. गाइस फैंस ना बोल दी उसने. मेरे पास उनका नंबर है अभी. फिर फर्स्ट मैंने ये सोचा था रेस्टोरेंट स्टार्ट करूँ, बट रेस्टोरेंट के लिए थोड़ा सा और पैसा डालना पड़ता है, उतना फाइनेंस देने के लिए रेडी नहीं थे. एंड टू मेनी थिंग्स यू हैव टू टेक कंसिडर. यहाँ पे दुबई में अगर रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है
तो फिर से मैंने सोचा ट्रैवल हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हूएवर कम्स फ्रॉम इंडिया, जितने भी मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स फैमिलीज आए हैं, आई हैव टू टेक देम माई सेल्फ, ड्राइव करें चलो. इवन व्हेन आई वाज वर्किंग शाम को ऑफिस से आओ, इतनी एनर्जी थी कि उनको घुमाने लेके जाने लेके जाती. मैंने कहा नाउ आई नो मेनी पार्ट्स ऑफ द यूएई, कैन से ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ यूएई, इतना घूमी हूँ ना मैं यूएई में. तो फिर बिना जीपीएस के निकलती होगी तुम. घूम भी जाती हूँ कभी कभी गोल गोल. ओके, सो दैट इज हाउ द होल थिंग स्टार्टेड. ओके, आई पर्सनली बिलीव अगर तुम्हारा ट्रैवल इंडस्ट्री नहीं होता, आई एम प्रीटी श्योर यू वुड सेल वेल इन द फूड इंडस्ट्री. रेस्टोरेंट तुम्हारा जबरदस्त चलता, वो बंदा 10 रुपए देगा तुमको, तुम 20 का खिला के जाओ बोलेंगे अतिथि देवो भव करके. बिकॉज आई नो दैट, आई एम गोइंग टू कम बैक टू दैट पॉइंट. वैसे आई हर्ड अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज अबाउट यू. AES में तो सुनती हूँ मैं, बाहर से भी बहुत कुछ सुनती हूँ. बट AES में ज्यादा आपकी वजह से ही नाम हो गया मेरा. आप इतना शाउट आउट देते रहते तो बस आयशा बस बहुत शाउट आउट हुआ. बट यस आई एम देयर इन टू सो मेनी ग्रुप्स, बट AES से मुझे ज्यादा फैमिलिटी मिली है, ज्यादा फ्रेंड्स मिले हैं. एंड ऑलवेज में भी यही बोलेगी तू? हाँ, सब पॉडकास्ट में यही बोलूंगी. गाइस सुन लो एक बार, रीटेक कर दे सेम तेरा लास्ट लाइन वापस एक बार बोल दे. नहीं नहीं, एवरी ग्रुप आई हैव गॉट समथिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी ग्रुप, वो है. बिकॉज सब ग्रुप में मैं जाती हूँ, आई एम देयर फेवरेट, दे आर माय फेवरेट. बट AES इज मोर लाइक अ फैमिली टू मी, दैट आई कैन सी. AES के बच्चे ये ले चुम्मी ले ली तो मेरी तरफ से. ओके, अभी जब इतना तेरे को फेम मिल रहा है तो कैसे मैनेज करती है तेरा घर एंड ऑल ऑफ दैट? बिकॉज आई नो यू आर बिजी, अ लॉट मोर बिजी पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, एंड आई नो यू हैव योर फैमिली है, तो फिर कैसे मैनेज कर रही है सब? सो अगेन हियर आई विल गिव क्रेडिट टू माय फैमिली. सो या यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, बिकॉज व्हेन आई एम आउट विद माय टूरिस्ट, रात रात तक बाहर रहती हूँ, कभी ग्रुप में रहती हूँ, कभी इवेंट्स करते हैं, सो ही सपोर्टिंग मी अलॉट. अगेन डैडी इज देयर, सो ही ऑल्सो सपोर्ट्स मी अलॉट वेन एवर आई एम लेट घर पे जाती हूँ. बट फिर भी घर पहुँच के मुझे सब कुछ बताना है, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, आई वॉन्ट हिम टू बी अवेक और सब बता दू. बट यस, बट मेन थिंग, द मेन रीजन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जोक्स अपार्ट, कि पैशन था. हाँ, ओके, ट्रैवलिंग का पैशन है, सो दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट. लाइक बहुत जन यही पूछते हैं हाउ डू यू बैलेंस, समटाइम्स इवन आई एम सरप्राइज हाउ आई एम एबल टू बैलेंस ऑल दिस थिंग्स. यू आर फाइंडिंग पीस इन योर वर्क ना? यस यस, दैट इज व्हाट. तो मैं वर्क की जैसा नहीं ले रही हूँ. हाँ, आई लाइक यू नो आई लव डूइंग इट. यू लव डूइंग इट, तो इसकी वजह से यस इसकी वजह से. And I think without family we cannot do anything. Yes, being वो एक बड़ा सपोर्ट है मुझे. मेरे शौहर भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी वहाँ पे मेरे सारे पॉडकास्ट खत्म हुए तक वेट कर रहे हैं. So I can imagine what you are saying. Yes. Family support means a lot. Yes, yes. और एक था मेरे को वो एक बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन पूछना है. Like you've been there since 2 years, I believe, in the business, right? Yes, yes. तेरे शौहर को क्यों छुपा के रखा है तुमने? बता मेरे को. बस नहीं लाना है उनको किसी के सामने. क्यों? ऐसे इतने अच्छे दिखते हैं या इतने गंदे दिखते हैं? He won't, I can introduce him because he's waiting outside. She's got her husband. Can we have him? Then? Yes, sure. बुला ले उनको. We are waiting. आ जाओ, हाल आ जाओ. हगी जप्पी पप्पी हाय. All good. Please sit down. Thank you so much. I've just met him once, guys, and I've been a fan of the person he is. No wonder Sarika is like this, because I think she's somewhere inspired by her husband. Am I right? Yes, yes. Nihal ka aaj debut. I'm touched, to be honest. Hum to double touched hai. Thanks to you. Aapne chance diya unko idhar aane ke liye. Chamatkar ho gaya hai ye to. Yes. Chamatkar ho gaya aur माशाल्लाह इनकी वॉइस, ही इज लाइक अमिताभ बच्चन पार्ट 2.0. मैं जया बच्चन. जया बच्चन इतनी हस्ती नहीं है लगता है मेरे को. जया बच्चन नहीं है तू. तू अमिताभ बच्चन सारी का नेहली अच्छी लगती है, राइट? हां, वो ही है बेटर. आई डोंट वांट टू कम. बेटर है, सही बोली तूने. सो निहाल, आपका डेब्यू मेरे इसमें हो रहा है, चमत्कार हो गया आज. आई एम ट्रूली थैंकफुल फॉर कॉलिंग मी, इनवाइटिंग मी ऑन दिस, एंड आई एम ट्रूली प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू ऑन योर अचीवमेंट, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर अ लीड वुमन इन देयर ओन रिस्पेक्टिव बिजनेस, सो इट रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस. थैंक यू सो मच. तू भी दे दे कोरियन आपके जैसा लीडिंग दे. तो कोरियन हार्ट दे दे उनको. नहीं आता कैसे दे दे. मेरा हार्ट ऑलरेडी उनके पास है. दूसरा हाथ चल रहा है तुम लोगों का. मैं डिनर पे लेके जाऊंगी तुमको, लंच पे इसके बाद.
सो निहाल आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू. धीरे धीरे सारा आ रहा है तुम्हारे पास. तुम अपना यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ. अगर इसने तुमको ऑलरेडी पट्टी पढ़ा के लेके आई है कि ऐसे बोलना है ऐसे करना है, बिल्कुल फिल्टर करके छोड़ देना उसको वहां पे. नहीं पट्टी पढ़ाई ना, मालूम ही नहीं था ना. यू विल कॉल हिम हियर, कुछ नहीं मालूम था. हाँ बट अभी अगर एक कुछ बोलेगा तो घर जाके फिर खाना नहीं दूंगी. हाँ, उनके पास मैं आ रही तेरा खाना इज सो स्पेशल. सो निहाल अभी तो ये जिस तरीके से फेमस हो गई पास 6 months आई कैन से, मतलब जहां तक मैं जानती हूँ फेब से लेके अब तक जो भी है इसका जर्नी, शी इज लाइक ओ माई गॉड, शी इज एवरीवेयर, शी इज एवरीबडीज फेवरेट. एंड ऐसे होता है लोग ना एक कम्युनिटी को चूज करते हैं, शी इज विद एवरी कम्युनिटी, यू आर नेम इट एंड शी इज देयर. तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट पार्ट? I would start from scratch. When she thought about this business, I knew because her passion is coming. I know her from my college times, so tab se main uska passion janta hu because her credit goes to her father, from where she got all this motivation and inspiration. So when she thought about this, I was not sure how she will do it, how she'll manage it. But when I saw down the line, because she started around 2 years back. बट वो 2 years बैक बेसिकली लाइसेंस लिया है. अच्छा. उसने उसके 6 महीने पहले से ही चालू कर दिया था. ओके. और मैं वो 6 months में इतना शॉक था क्योंकि रात को 12-1 बजे तक वो मैसेज कर रही है ट्रैवल एजेंट्स को टिकट्स के लिए वीज़ा के लिए. सो 6 महीने के बाद मैंने सिर्फ उसको एक ही सवाल पूछा, तूने इतना रेपुटेशन बनाया कहाँ से एंड हाउ डिड यू बिल्ड ऑल दिस कॉन्टेक्ट, बिकॉज मैं खुद शॉक था. एंड व्हेन आई मैं उसको पहले इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, मैं उसको बोला था मुझे प्रोजेक्ट बना के दे बिकॉज ही इज इनटू फाइनेंस. सो यस आई मिस दैट पॉइंट. ही टोल्ड मी मुझे पूरा सब बजट बना के दे दे, व्हाट इज योर प्लान्स, आई विल गिव यू फाइनेंस, क्या करना चाहती है नेक्स्ट 6 months, नेक्स्ट 12 months, ही सेड नेक्स्ट 6 months. वाओ, इतना प्लानिंग गया है इसके पीछे. बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वो बिल्ड करे ऐसा कि वो कभी वापिस गिरे नहीं. सो शी शुड बी स्ट्रांग इन फ्यूचर एंड व्हेनेवर योर बैकग्राउंड विद फाइनेंस इज स्ट्रांग, योर कंपनी फ्यूचर इज ऑलवेज ब्राइट. बट शी प्रूव्ड मी रॉन्ग. हॉनेस्टली फाइनेंस इज वन साइड, शी बिल्डेड अ वेरी हाई गुडविल. यस शी डिड. और ये गुडविल उसको अभी नहीं समझ में आएगा बट द गुडविल वैल्यू इज रियली वेरी हाई. And I am really proud of her. Hi. Thank you. Proud of you too. मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ because of her. Oh, वैसे नहीं. That is true. The truth, to be honest. Because I wanted him to be here, and तुम्हारे से ही वो हुआ है, and I'm so glad he's acknowledging that. No, seriously, because in my career of 30 years in my finance also, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मेरे कंपनी ने, मेरे कलीग्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बीवी को बुलाया हो और उसका ऐसा यू नो लाइक अहोभगत की हो. बट नथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड. एंड शी इन जस्ट 2 years हैव गॉट मी दैट काइंड ऑफ फेम एंड द गुडविल एंड द प्राइड दैट आई एम रियली रियली वेरी प्राउड ऑफ. एंड प्लस आई बिलीव इन वुमन पावर, सो आई एम रियली प्राउड दैट शी मेड दैट प्रूफ. And yes. तूने अच्छा किया इनको लेके आके यहाँ जहाँ पे. I mean like I feel proud when he is saying that because हम सब तुम्हारी तारीफ करते हैं. सब करते हैं वो अलग है. Yeah, that is what. It is like हमारी भी ये बहुत बड़ी बात है. जब हम तो नीचे झाड़ से नीचे आना है. वो झाड़ इतना weak है नीचे उतर के आ जाते हैं. But it is the truth actually. When a woman takes a decision and they know the power of taking decision, they can bring world to the house. Yes, yes. It's only that as women क्या होता है कि डिपेंडेंसी में जीते हैं, पहले माँ बाप के, बाद में ब्रदर के, बाद में हस्बैंड के, बाद में बेटों के. सो दे डोंट सी themselves as their own strengths. Right. They are always hidden behind their own family people. Right. But when they really see this strength and their power of taking decision, they really realize that what they are capable of. And they can bring more than what men can bring. Because well, that support of the family is really very, very important. It True. Makes very crucial. And whenever she's saying that support of the family, honestly, I have not done anything. And I'm well, really true. He can. I have just supported maybe just little finance part. But otherwise, mental support is there. Mental support I want. And that I get. वो मुझे कोई advice पूछेगी business के बारे में. So I say, it's your business. You are doing every day. I am nowhere to even advise you because you are taking the decisions and you have won every step. So मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई इसमें. But at least he has been a listening ear to me. So मैंने बोल दिया और तो सब कुछ मेरे लिए तो that makes a that makes sense. So that's how the whole thing. Yeah.
I can't stop listening to him. इनको रेडियो जॉकी बनना था. इसलिए मैं नहीं लेके आती थी कैमरा के सामने या किसी फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर रही थी. This man's thing has gone crazy. और यही जो इन्होंने बोला है नेटवर्किंग दैट इज हेल्पिंग मी अ लॉट बिकॉज व्हेन आई एम गोइंग फॉर नेटवर्किंग मीटिंग्स नॉट ओनली बिजनेस मीटिंग बट कॉफी मीटअप ब्रंच मीटअप व्हाट आई मेक इज कनेक्शंस विद जो कनेक्शंस हो जाते हैं दैट हेल्प्स मी अ लॉट यू नो इट लीड्स टू कोलैबोरेशंस and then I get referrals from them. That's why I make a point that I should attend these meetings क्योंकि जो connection और जो networking जो मेरा group बन गया ना powerful yes yeah. yes so that is a point I try to balance. थोड़ा time जितना मेरे travel को देना है वो देती हूँ थोड़ा time networking meetings and other events and this events is indirectly helping me in my travel business. So my travel business I'm not ignoring right but this is adding to my travel thing. So I would like to tell everyone ki you should do networking and attend this coffee meetups and brunch meetups and try to balance between both and also your family. Aur Sarika aise nahi hai ki dekho koi aake bolta hai haan mat jao group mein yahan kyun ja rahi hai tu aise kya ho gaya wahan pe koi nahi bolta dekho आयशा के पास क्या कर रही है तू आयशा के मीटिंग में क्यों जाती है नहीं नहीं ऐसे नहीं कोई बोलता इसकी मीटिंग में क्यों जाती है उसकी मीटिंग में क्यों जाती है देखो मेरी अच्छी क्वालिटी है ना सो दे ऐसा नहीं कोई बोलते सब लोग अप्रिशिएट करते हैं तुम्हारा सब जगह मुंह पे तो करते हैं अप्रिशिएट मुंह पे तो करते हैं पता नहीं मुंह के पीछे इससे साबित होता है कि नहीं करते क्योंकि मुंह पे तो करते पीछे बिकॉज़ आई डोंट नो आई डिडंट हियर but yeah, they asked me this question what you asked me how do you manage all these things attending all the groups kyunki sub group I'm not there only in the groups I am like organizing everything being a main part of them all their events so isliye mujhe questions poochte hain but I that is what I love being with all the groups I like connecting with people so mujhe kabhi aise I don't feel tired you also don't feel tired. Yeah perfect hai perfect I love doing that so ek to mera question tha jo already निहाल ने आंसर कर दिया कि हाउ डिड ही फील अबाउट यू ऑप्टिंग दिस इंडस्ट्री करके तो उसका हो गया सो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नदर कपल ऑफ वेरी पर्सनल क्वेश्चंस यू नो दैट कम्स हियर एक तो ये अलादीन का चिराग है लाइक शी हैज द सॉल्यूशन फॉर एवरी डैम प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड दूसरा इसका गाड़ी खजाना है वो यू नेम इट शी हैज इट एक चाहिए था गॉगल्स चाहिए थी बोला कि हाँ मेरे पास है ये वाला मेरे को ठीक नहीं लगा दूसरा भी है तीसरा भी है मतलब 10-15 निकाल दिए हैट्स और 10 निकाल दिए दैट इज व्हाट ट्रैवल एजेंट को होना चाहिए राइट व्हेन द टूरिस्ट व्हेन दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज यू नो व्हेन दे आर कमिंग हियर दे डोंट कैरी ऑल द थिंग्स राइट यू नो लिमिटेशंस रहते हैं जगह तो मेरे पिलो कुशन चद्दर या लास्ट अंडरगारमेंट्स भी रखा है कुछ भी है मेरे पास है गाड़ी थोड़ी कॉम्पैक्ट हो जाती है सो यू बॉट द कार फॉर दैट रीजन एसयूवी इसने खरीद के रखी है और वो करती है लास्ट की सीट दो इट्स अ 7 सीटर एंड प्लस इट हैज द स्पेस फॉर लगेज बट मेरी खाली 4-5 सीट ही यूज हो जाती है पीछे पूरा लगेज है तेरी गाड़ी में जितने लर्जी मार के बरकत है गाड़ी में वो भी है आई हैव टू बी डू शेयर विद यू के सेकंड बाहर 50-60 कुछ कुर्सियां भी डाली है उस गाड़ी में डाली है ना इज देयर एनी वियर्ड थिंग दैट यू हैव पुट इन योर कार वो 50-60 कुर्सियां तो मुझे पता है आई स्टिल डोंट बिलीव इट अनलेस आई सी इट यू हैव अ पिक्चर देन यू शो बिकॉज़ आई वाज अरेंजिंग वन इवेंट और वो इवेंट के लिए हमको ना कौन सी गाड़ी में फिट होते हैं रे हमारी होंडा पायलट करना क्या है अभी इवेंट 1-2 घंटे में है सॉल्यूशन तो चाहिए राइट तुम्हारे कपड़े भी होते हैं उसके अंदर समटाइम्स आई कैन बिकॉज़ ही होल्ड आई एम आउट समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि इन अ डे आई हैव टू अटेंड 2 or even 3 इवेंट्स सो इन वन ड्रेस आई कैन नॉट गो होल्ड डे सो या आई नो वन पर्सन हु डज दैट मेरे को याद आ रही है आई मीन मैंने भी तो वही किया पहले वाले पॉडकास्ट में दूसरे कपड़े थे नाउ कैन यू टेल मी वन थिंग दैट्स सो वियर्ड इन हर कार मतलब लाइक ही डजंट लाइक टू सिट इन माय कार वो बैठेगा इवन इफ ही सिट इन द स्टीयरिंग व्हील पहले वो वाइस करेगा या बिकॉज़ आई कैन हैड द हैबिट ऑफ ईटिंग इधर ये पड़ा है सब कुछ द वेरी सी ये क्यों रखा है गाड़ी में इसकी क्या जरूरत है उसको कार में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा मैं उसके पहले ही बैठता हूँ मैं पहले ही वेट टिश्यू निकाल के सब कुछ साफ करता हूँ बिकॉज़ आई नो बहुत कुछ खाने पीने का इधर उधर पड़ा रहेगा कभी कान का रहेगा
लाइक वन टाइम आई वॉज थिंकिंग कि उसने किस तरह से चाय पी कि चाय रूफ के ऊपर है. सो मुझे गाड़ी यही लड़कियों का काम होगा. नहीं नहीं वो पुरानी कार थी बट मुझे वो साफ करवाने के लिए फुल गाड़ी का रूफ सब क्लीनिंग करवाना पड़ा और मैं सोच ही नहीं सकता क्योंकि चाय वहाँ ऊपर कैसे जा सकती. बाकी सब गिर सकते मैं ठीक लेकिन ऐसा मे बी कार स्पीड ब्रेकर पे गई. And the point that you mentioned basically of her having everything, ये मेरा life experience है कि हम लोग कभी भी किधर भी जाएंगे and मैं उसको rush करता हूँ. The best example is that she takes time, I am ready immediately because मैं सो के उठ के बाथरूम में जाके तैयार होके सीधा गाड़ी में बैठता हूँ doing nothing else other than putting the luggage in the car जो ready है. But when we reach to a destination, whether it is a picnic or it is movie or anything, and then you ask, "Arey tissue hai kya? Arey tere paas ye hai kya? Arey toothpick hai kya? Arey chocolate hai kya? Arey namak hai kya?" So like you can find everything with namak hai aise like everything you can find. Salt, pepper ka waise pouch. Spoon hai kya tere paas? Means you can never. I have seen milk powder also. Yeah. और एक बार मैंने उसके पर्स में चॉकलेट भी देखा था. अभी वो चॉकलेट खाने लायक नहीं रहा ऑब्वियसली क्योंकि वो पूरा मेल्ट हो चुका है बट ठीक है फिर भी मिला उधर. हाँ, उसको भी खा सकते थे. हाँ, खाने की कोशिश वर्स्ट हालत में वो भी मेरे है ना हमारे पास एक. बट ये भी मुझे टूरिस्ट के पास ही सीखने मिला. व्हेन एवर माय गेस्ट आर देयर इफ आई एम गोइंग टुडे विद देम एंड दे आस्क मी समथिंग जैसे इसे नमक बोला यू नो सम फ्रूट्स लिए नमक नहीं सो नेक्स्ट टाइम आई कीप दैट थिंग इन द माइंड. सी वो आए उनको मैंने नाराज किया उनको नमक चाहिए था मैं कहाँ जाऊँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि नमक है. फोल्डिंग चेयर से है फोल्डिंग चेयर से टेबल सोफा कुछ रखा है तूने. नहीं 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 आई थिंक आई हैव टू टेक अ हां एक बेल्ट भी. सो द वियर्डेस्ट थिंग फॉर मी वुड बी लाइक आई कैन नेवर सी द कार क्लीन बट एट लीस्ट आई कैन सी दैट शी गिव्स एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल फॉर हर गेस्ट. हां ना दैट इज द वन ऑलवेज. बट इनिशियली रहती थी मेरी कार क्लीन बिकॉज सबको इम्प्रेस करना था कार क्लीन है. बट धीरे 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 एवरीबॉडी गॉट यूज्ड टू यस इसके गाड़ी में सब रहता है एंड वी हम लोग उसी के ऊपर बैठते हैं. इवन व्हेन वी वेंट फॉर वन डे स्टेकेशन यू नो हु वी हैड गॉन टू फुजरा स्टेकेशन आई थिंक आई ऑलमोस्ट 10 बैग्स आई हैड. एक्चुअली बहुत ज्यादा ही थे तुम्हारे पास बिकॉज वी हैड अ ड्रेस कोड एंड देन वी वर कैरिंग साड़ीज फॉर एवरीवन. You're always like, you know, well equipped bol sakte hain. Main I'm good at organizing and planning but not like her at any point of time. Matlab ye iske paas ek pura pointers form mein hote ki ye that minute she takes everything and until yeah maine dekha ye aapne liya nahi liya aur ye jab organizing mein aati hai main back seat le leti hu. Main beech mein aayi maine kabada kiya yeah jab mujhe gussa aata hai many people doesn't know planning kari aur kami se nahi hua and she's like मैंने बोला था ये करना है करके. इसको भी मालूम है गुस्सा आता है तो कैसे होती है रेयरली आई गेट एंग्री ऑन एनीवन बट जब गुस्सा आता है तो समझना है तब मुझे मेकअप लगाना पड़ता है गुस्सा अदरवाइज नहीं. उसने एक बार मेरे पर भी गुस्सा किया. ओह इज इट सो सॉरी. यस आई रिमेम्बर दो बार किया था. दो बार एक्चुअली किया था गुस्सा बट आई टेक इट तीसरी बार नहीं करूंगी. यू कैन ओनली बी एंग्री ऑन पीपल वी लव. वी लव एब्सोल्युटली. फिर बाद में वी स्पोक अबाउट इट यू नो ऐसे नहीं करना था. फिर हक कर लेना चाहिए. सॉरी आयशा हक किया हक जप्पी दी पप्पी दी दी जाके जप्पी और सब उड़ गया. वो अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है. बट ये है इसका परफेक्शनिज्म लेवल. तो मैं हमेशा बैक सीट ही सारिका है तो सारिका ही कर रही है अभी. उसके इसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं करता. उसने बोल दिया तो हो गया. मतलब शी होल्ड्स दैट काइंड ऑफ अथॉरिटेटिव रोल आई बिलीव. घर पे नहीं हूँ मैं ऐसे. घर पे ऑर्गेनाइज नहीं हूँ. I can see मेरे सारे क्लोथ्स वहीं से आते हैं. मैं कुछ नहीं करता हूँ. बट आएंगे एक हफ्ते के बाद. नहीं नहीं घर पे ऑर्गेनाइज हफ्ते में एक बार सब हो जाएगा ऐसे. तुम रहती हो घर पे? जेन्युइन क्वेश्चन. सारे लाते हैं. अब बताओ ये रहती है घर पे? No, no, it's not about when she's there or not, but whenever she's there, she completes her task. And I also sometimes get surprised. And I myself also think that I'm so ashamed. Like, kal hi ghar pe akela tha, koi nahi tha. लेकिन फिर भी मैं अपना टीवी अपना लैपटॉप लेके काम कर रहा हूँ. लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि चल थोड़े कपड़े धो दूँ, थोड़ा हेल्प कर दूँ वाइफ के लिए. लेकिन नहीं. बट हाँ, जब वो दुबई में नहीं होती है, इफ शी इज गोइंग टू इंडिया, देन यस आई मैनेज एवरीथिंग.
otherwise you know you don't have choice kya ke wo karenge karne parso mere ko kehna aaj hi kar dunga but he has that sukoon ye ghar pe nahi hai bahar hai main tv dekho baith ke he enjoys his tv to bas khana ready hai sab kuch jaise tumhari gaadi ki baat ho hi rahi hai wahan pe you're the first female I know who loves driving मेरे को एक अलग सा डर रहता है जब फीमेल ड्राइवर होती है मेरे बाकी दोस्त भी करते हैं और फिर बाद में एकदम स्पीड करके ऊपर से मेरे को छलांग लेके जाएंगे उधर तरफ आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट आई एम ब्लेस्ड शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल शी इज वेरी नाइस ड्राइवर एंड नॉट ओनली मींस फॉर मी शी इज द वर्स्ट ड्राइवर बट फॉर आई वाज जस्ट अबाउट टू मेंशन दैट She has been, because everybody tells me, everybody, even before she had a license, she had taken her own brother and somebody from US and some other people were there as a group. And they only said that she's the best driver. We had no jerk. And whenever she introduced my driving, she just keeps her tissue box on the dashboard. And that tissue box cannot be more than a second over there because it moves immediately. Cool drive. It should not fall down. Your tissue bag, udar ka udar. But I'm the most rough you're a good driver. But I really am proud of her driving. True. Now I don't speak much about it, but every time, because her driving is like, I'm the person who drives at the speed. She drives at the normal, convincing. Correct, same. Slowly. Like, I'm not going to 91. Because you need to follow the rules. Yes. Safety bhi dekhna hai. Bahut kam log dekhte hain. Distance bhi. Bahut fines bhi hai. Safety. Means really, she maintains a well distance even when she's driving at 100, the speed at 120. Yes. Uska distance maintenance bahut acha rehta hai. Government jo rules hai driving ke, bahut achi tarah follow kar di hai. The thing is that even जब वो इंडिया में ड्राइविंग मैंने उसको बोला करने के लिए शी टुक अ बैक स्टेप बिकॉज इट वॉज वेरी डिफरेंट इन इंडिया और यहाँ पे भी जब वो लैंड हुई उसके एक हफ्ते के मैंने वीजा खत्म करके उसको लाइसेंस के लिए बोला तो बोलती इतना क्यों करना है ये वो एंड आई कैन नाउ सी शी मे नॉट इवन रिमेम्बर दैट टाइम के वो टाइम पे उसको ड्राइविंग नहीं करनी थी अभी वो इतनी पैशनेट है कि शी कैन नॉट बी विदाउट अ कार Again, I would like to thank him because when I landed here, his friend had come to pick us up from the airport. The way he drove in the highway, yeah, wow, I believe, oh, never I will drive. And he's like, okay, abhi job nahi, abhi drive karna. So from Sharjah, the bus is to pick up, come to pick up. So like 1.5 hours Sharjah to Dubai driving karne. Driving was only 45 minutes. Okay. And then again, pura din nikal jata tha. And then I was crying, nahi karna hai driving, nahi karna hai. Aaj agar he would have not forced me. I would have not been here. क्योंकि मैं ड्राइविंग कभी करती नहीं रहता जैसे मैंने मेरे शौहर ने मेरे को बहुत टाइम पहले बोला था ड्राइविंग के लिए चले जाओ मैंने किया था अभी लास्ट 1 year 1 month पहले मैंने फाइल भी ओपन करी अभी मेरा मॉड्यूल ही चल रहा है You should learn driving because you're itself a lot, na? Public transport driving you should learn. I know, I have to do. मेरे को time नहीं मिल रहा हो करने के तो थोड़ा motivation दे दे मेरे को. Yes. Inshallah, फिर मैं वो कर लूँ. So with that, we move on to the next one. Nihal, this is again about Sarika's another thing. Okay, इसके इतनी सारी qualities हैं मैंने cut short करे हैं. एक तो इसको खाने का इतना शौक खाने का भी नहीं खाना खिलाने का शौक खाने का तो दिख ही रहा है I don't see her eating much. No, I will eat. She likes food or she enjoys eating food at a very slow level. मतलब वो कहीं पे जाएंगे बुफे में एक घंटा इसको खाने को ही देना She's like, it's still there. The taste is still there. I'm processing it. 10 minutes के बाद दूसरा खाना खाएगी That is how she does it. बट खिलाने का शौक ज्यादा है Now because of her, जहाँ मेरे को लगता है कि ये थोड़ा रिफ्रेशमेंट में करते हैं अच्छा जब लोग आते हैं तो खाना खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा तो इतना ऐसा भी नहीं करना चाहिए वो याद रखेंगे खाना है ना दैट लेवल शी गोस तो फिर इसकी वजह से मैं खाना फिर मैं बकायदा अच्छा रखती हूँ उनको भी खाना खिलाने का बहुत है वो खुद खाना बनाते हैं आज भी हमारे घर में वो ही खाना बनाते हैं हम लोग किचन में नहीं जाते हैं एंड ही फॉर मी आई नो वेरी श्योर बिकॉज मैं एक बार उनको फुल फैमिली के साथ गुजरात लेके गया था एंड ही टेस्टेड द फूड ओवर देयर दैट आई लाइक एंड ही वॉज सो अमेजिंग के उधर से आने के बाद देन ही शिफ्टेड टू दुबई वो हमारे साथ रहने लग गए जो मुझे चाय देते थे वो नाथद्वारा की एक चाय होती है स्पेशल सेम टू सेम टेस्ट वहाँ के जो बटाटे पोहे और सम अदर डिशेज आर देयर आई वाज शॉक्ड दैट ही मेड द सेम टेस्ट फूड
एंड सारिका ऑल्सो आई एम वेरी थैंकफुल शी इज़ लाइक एन अन्नपूर्णा फॉर मी. मुझे आधी रात को भी अगर भूख लगेगी शी विल प्रिपेयर अ फूड एंड आई यूज़ टू लव दैट फूड. नाउ ऑफकोर्स शी हैज़ रिड्यूस अ लॉट बिकॉज ऑफ हर बिजनेस एंड ऑल, लेकिन अभी भी जब भी वो खाना बनाएगी शी इज़ वेरी नाइस एंड शी इज़ वेरी फेमस. सारिका हर फादर plus her brother also, they brother all are nice cook. Yeah, they are very like when I am in India and they both brother, are there, so they both will cook but they'll help each other. Uska brother ka speciality ye hai ki agar kal ka kuch khana bacha hai to usko kaise naya bana ke, and he makes such an innovative food, like usi ko achhi tarah se paros ke pura taste change kar deta hai. So they are very good. So that's why again I am blessed, so even if I am outside, so daddy takes care of the food. खाली मुझे घर पे आके चपाती बनानी रहती है. For him like okay, जमाई के लिए खाना बनाना है, so he's too happy. वैसे इसी घर पे एक है पक्ष, DIY खाना भी बना लेते हैं बाकी भी. तो मेरे घर पे जो मेरी लड़कियां आती है, they are like fan of bugs. Yes, yes, even I अच्छा नहीं लगता है इनको साथ में रखने, बिकॉज मैं जो बनाती हूँ उसको स्पॉटलाइट नहीं मिलता, ये लेके चले जाते हैं खाना. नहीं, नहीं, इसी ने बनाया, इसी ने उनकी बनाया. चाय बख्श की चाय, आज की चाय हुई हुई चाय शाय विद आयशा, चाय शाय विद बख्श. यू शुड हैव ब्रॉट हिम टुडे ना. हां, यू शुड हैव ब्रॉट हिम टुडे. मैं वहां पे बाजू में बैठ के क्या प्रिटेंड कर रही लड़की. We have another round coming up, compatibility test, because we have 10 minutes to go. Okay, so we go ahead with the rapid, not rapid fire, it's a compatibility test. But I can tell him the answers. तुम खामोश रहो, तुम किसी को आंसर नहीं, दोनों एक दूसरे को आंसर्स नहीं दिखाएंगे, छुपा लेना. एंड यू कैन यूज वन स्ट्री फॉर ईच आंसर ऐसे, एंड दिखाना है तुम लोगों ने कैमरा को तुम्हारे. ओके, विल गेट सम प्राइस फॉर दिस, कुछ प्राइस रहेगा. ये टोपी है सारे तुम्हारी. ओके, आंसर्स दिखानी नहीं है किसी ने एक दूसरे को, ठीक है. चीटिंग करनी नहीं है, फिर डेट कैंसिल मत बोलो. ओके, फर्स्ट थिंग, योर फर्स्ट डेट कौन से दिन हुआ था, दिखाओ. कौन फर्स्ट दिखा रहा है? ओके, 1995, बट कौन सा दिन था? दिन भी लिखना. दिन 11th मार्च. वाओ, सी. ओके, नेक्स्ट वन. मैंने आग दिखाई तो बराबर बोल दिया. 1 point टू ईच वन ऑफ यू. ओके, योर एंगेजमेंट डेट. हाल ही ईयर लिखना नहीं खुदा के वास्ते प्लीज निहाल. ये तो मुझे इसको तो याद आया रहेगा. मैं डेट में गलत हो सकता हूँ, बट इट वाज अ डे. या इट वाज अ डे डे मिच रहेगा, मींस फेस्टिवल डे. नहीं, लाइक हां, फेस्टिवल डे. मेरे को तो याद नहीं है एंगेजमेंट का. मेरे को मंथ याद है. कहां दिखाओ इसका, देखेंगे. अप्रैल है, गुड़ी पड़वा. हाँ, या बिकॉज फॉर आवर महाराष्ट्रियंस इट वन ओके नो वो 2005. सही है, फर्स्ट अप्रैल. या या तूने क्यों नहीं लिखा? नहीं, डेट नहीं लिखा, बट ही सेड ना दैट इंपॉर्टेंट डे था हमारे लिए. 96 नहीं है, बट 2005 है. अच्छा, बहुत दिल के बाद है. 96 बट वो हम पहले एंगेज हो गए थे ना. सेकेंड ईयर ऑफ आवर प्रपोजल था. सो 96 में मैंने उसको प्रपोज किया था. वाओ, लेकिन हमारी शादी 2005 में, 11 साल के बाद. लाइक ओह, यू डेटेड फॉर 11 इयर्स. 11 इयर्स वी डेटेड, एंड देन आफ्टर. सो नाउ वी आर कंप्लीटिंग 30 इयर्स ऑफ. रियली, ये प्रॉपर वुमन पावर है, जो पहले पैसा कमाओ, घर बनाओ मेरे लिए, बाद में शादी की. लव मैरिज तो घर पे इंट्रोड करना था, तो अच्छा चाहिए ना. अदरवाइज रिजेक्ट. मेरे को दुबई में एक शादी अटेंड करनी है. इंशाल्लाह. वो कोई बुला नहीं रहा है. ओके, नेक्स्ट वन, हर फेवरेट फूड. ऐसी यू आस्क मी ट्रिकी क्वेश्चन. फूडी मैं हूँ तो सब कुछ है ना फेवरेट. That's a very yeah. तो दो लिख देने तो. अच्छा, दो जो ऑप्शंस उनको. But उसने सैक्रिफाइस कर दिया बस. वो बराबर है. But मैंने चाइनीज लिखा. या चाइनीज बड़ा पाव. बड़ा पाव था, but I have sacrificed that. Yeah. क्यों? उसकी मम्मी जब पास हुई तो उसने वो ओथ लिया कि she will not eat. But उसका सबसे फेवरेट lifetime बड़ा पाव है. Wow. Okay. That's good. Next one. Favorite spot for hanging out. मतलब लाइक तुमको हंसी है, सुख है, दुख है, तुमको वहीं जाना है. That's impossible for me. Impossible. Impossible, unpossible, dispossible. मैंने दो ऑप्शन लिख दिए. अच्छा ठीक है, दो ऑप्शन लिखा है उसने.
दिखा दो अभी आंसर. सी बेसिकली उसका है हर बार टूर जाने का. दोनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं. हां टूर एंड सी बीच. ओके सी बीच बिकॉज हम लोग हमेशा जब भी डेट करते थे वी यूज्ड टू गो फॉर अ सी बीच. हम लोग बैठ के आराम से रो धो के बात करते थे. सो वाओ ओके 30 साल के बाद ही मैच हो रहे हैं. हर बेस्ट फ्रेंड. दैट इज अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन. जो जेन्युइनली तेरे बेस्ट फ्रेंड है वहां पे वो मतलब बहुत साल से रहेंगे. बेस्ट फ्रेंड 15-16 नहीं रहते वहां पे. नहीं ये उनका ग्रुप है एंड दे आर द बेस्टीज ऑफ टिल नाउ. हां ये मुंबई में सारे. यस शो फर्स्ट टू नेहा कॉलेज फ्रेंड्स. ओके या सोनाली तृप्ति एंड सिटी दिस यही फ्रेंड्स है कॉलेज फ्रेंड्स. वी आर देयर टुगेदर सिंस लास्ट 36 इयर्स माशाल्लाह. एंड स्टिल नाउ वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर. बट या फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड इज ही. ओके ही डिडंट मेंशन हिज नेम. या because obviously they are the real friends and yes. I remember when I proposed her also usse zyada wo log khush hue the. So and when he had proposed me to main usko bhav bhi nahi de rahi thi because I was with my friends. Ha zyada friends ke sath pura to nahi wahan pe Bollywood movie hi ready kar diya sari ka. Yeah, I'm still fan of Bollywood. आयशा नहीं आया करके आयशा को बोल गया उसको गुस्सा आ गया. उसका जो एक फीलिंग था अंदर से वो वहाँ पे आ गया. नहीं एक्चुअली दैट्स व्हाट आई सेड दैट इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. सही बोला. मेरे को लगता है कि बोर्ड को बुरा लग गया. टेंशन मत लो. क्योंकि फ्रेंड्स की लिस्ट तो इतनी सारी आएगी. आपने कहा था ना पूरी लिस्ट ही लिखनी एक लिखना है. बर्थडे के होते हैं अभी मतलब लाइक रियली दे. तो ये 36 साल है. आपने पढ़ा नहीं. अब नहीं गिरेगी. आप तो मेरी जान हो ना. देखो नेहल के सामने बोल दिया. चार फिलर दो बक्स का कुछ याद आ रहा है. खामोश yes, रहे yes. ये रील सबको देखनी भी है. ओके नेक्स्ट वन हर फेवरेट कलर. रियल क्विक लेट्स सी. दो और क्वेश्चन है मेरे पास फटाफट से. आई एम ओ माय गॉड हाउ कम ही इज राइटिंग ब्लैक. येलो इसका फेवरेट कलर है. मैं तो येलो ब्लैक तो मुझे कहीं पे ब्लैक इज हिज फेवरेट कलर. वो उनका आपका खुद का लिखा है ना. वो नहीं था क्वेश्चन. आई डोंट नो ना. कोई बात नहीं है. नेक्स्ट वन मेरा फेवरेट लिखना है. सारिकास फेवरेट पर्सन एट AES अदर देन मी. ही विल नॉट बी नोइंग दैट. फेवरेट पर्सन एट AES अदर देन मी इन हर ग्रुप. मेरे लिए ये सुनना पड़ेगा. एनीबॉडी आई ओनली नो वुड बी नोइंग यू. अदरवाइज ही इज वेरी पुअर इन नेम्स लाइक. ओके एंड द मेन थिंग ही हैज नेवर मेट एनीवन. सो इवन इफ आई कीप ऑन टेलिंग हिम अबाउट एनीवन तू बता दे फिर वाला. तो मैं ऐसे बोलती ना वो ऐसे उस दिन उसके साथ गई थी वो इडली वाली आयशा. इडली वाली आयशा ऐसा आई नो. इडली वाली आयशा क्या होती है. डायरेक्ट ऐसे ही बोला वो इडली वाली आयशा. बिकॉज़ आई हैड या आई हैड टू मेक हिम रिमेंबर कि वो ऐसा हुआ था. बट स्टिल वो फ्रेंड के साथ मैं रात को गई थी. मैं भी फ्रेंड्स में मिला हूं ऐसा नहीं है. But I think I can only remember you for a reason because of your own way of talking and being so friendly. So itna jaldi kisi ka catch up nahi hoga. Iska main reel alag se bana ke meri story pe daal dungi. Yes. Tu bata de otherwise fir bina likhe. Nahi bahut sare friends hain mere. Bahut sare yaar. Mujhe wapas AES mein jana hai. Bahut sare friends hain nahi to sab pakad ke marenge. 5 minutes to go. One last question we have. This is very personal, okay? लेकिन सही से लिखना है. ये रिकॉर्ड होगा? ये बक्स ने मेरे को रेकमेंड किया था. मैं गाड़ी में आ रही थी एंड आई वाज आस्किंग हिम. ही आस्क्ड मी उनको पूछ T20 में कौन जीता. मैं बोली दोनों का कंपैटिबिलिटी टेस्ट है. T20 कैसे आएगा. फिर बाद में इन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा. हाउ मेनी टाइम्स यू बोथ हैव फॉट इन दिस मंथ विदाउट एनी रीजन. फॉर सिली रीजन या विदाउट एनी रीजन. ओनली इन दिस मंथ. इन दिस मंथ. वो लोग को मालूम है कि नेहल इज अ वेरी एंग्री मैन एंड ऑब्वियसली उसका सारा गुस्सा सारिका को बैर करना पड़ता है. तो पहले ही वो लोग मुझे फोन करके ये पूछते तूने सारिका के साथ झगड़ा तो नहीं किया ना. तूने उसको डांटा तो नहीं ना. सो लाइक दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट दे विल आस्क मी एंड देन दे विल से कि प्लीज डोंट फाइट.
we understand that fight is like a love thing, हाँ. but at the same time you should also understand that she is emotional. उसको थोड़ा भी disturb मत करना. She gets connected very quickly with people and she yes. has that दिल से मानती है सबको. तो फिर इसके लिए ना relationships बहुत matter करते हैं. What I've known and you निभाती भी है बहुत time तक. और ऐसे भी हुआ ना हमारे कॉलेज के टाइम एंड इवन नाउ लाइक मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स इफ दे नीड एनी एडवाइस इन द मैरिटल लाइफ तो हम लोग दोनों रहते लाइक वी आर द काउंसलर्स फॉर देम यस बोथ ऑफ अस आई एम श्योर अभी हाउ लॉन्ग 30 इयर्स बोला ना वी एक्सपेक्टिंग अ पार्टी अल्लाह प्लीज हमारी पार्टी रोज है हमारे लिए रोज 30 इयर्स रोज 50 इयर्स हम लोग को ये पार्टी नहीं है ना तुम देते नहीं ना आ जाओ एनी टाइम नहीं सबको साथ में मुझे फेरे वेरे लेके सब लोग करना है हां वो करेंगे बट अभी एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप विद दिस आई हर्ड शी इज गोइंग ऑन अ वन मंथ लीव हैव यू अप्रूव्ड दैट से नो फॉर मी आई एम वेरी हैप्पी इफ शी वांट्स टू डू दैट But then she should be going as a leave and spending her time with all her friends so she can enjoy her time. Huh. One month leave means she's talking now, I'm traveling to Mumbai. Ah. That leave. That leave. So she's not approving my leave. She's saying, how can you go? No, we have rejected that proposal, 100%. To be honest. And I want to put a petition to all the 15 communities. She herself will not be able to be... yes, like, I'm there, I'll be she's working. She's putting us through that. Ruby Kali land we and she's like, you jari? 15 दिन उसको बोलो 15 दिन के लिए जाके आने के लिए अबाउट मी इट बट दिस इज अ शॉक फॉर मी आल्सो मुझे भी नहीं मालूम है कि एक महीने के लिए वो जा रही है बिकॉज वो अपने खुद के बिजनेस के लिए दो दिन के बाद यार मेरे को इतना मैसेज आ रहा है ये हो रहा है मैं इधर नहीं रह सकती मैं इतना ये नहीं कर सकती मुझे आना पड़ेगा वापस वो नहीं हाँ ऐसा सब चलता है रिसेंटली आई हैड बीन टू किर्गिस्तान जस्ट फॉर 6 डेज इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस I'm just sending him the screenshot. तो इतने messages हैं। Then he said, see, you will miss out. मतलब हाँ, but मुझे time तो देना है। बाकी सब तो मेरी team संभालती है। But WhatsApp नहीं बोलता मेरे को। She cannot. She cannot ना। I cannot leave him for one month and go. अगर वो एक महीने के लिए जाएगी, तो मेरे घर में इतनी सारी बॉटल है इतनी सारी पार्टी के मींस पूरे मेरे सारे दोस्त लोग उसी के लिए रुके हुए हैं हां वो इनके दोस्त लोग मैं रहती तब नहीं आते डैडी रहेंगे तो आएंगे तो वो ज्यादा खुश होंगे बोलेंगे हां सारिका भाभी जा रही है हमारे हमारी बॉडी है लेकिन भाईजान अब जरा इनको खुला कर दो सोफे को पुश कर दो बट ही डजंट ड्रिंक ही डजंट ड्रिंक वो पिला देते हैं उनके पास के घर पे नहीं अलाउड है ना तो उसके घर पे पी नहीं सकते दे कम हियर मस्त है बट गाइज इट वॉज रियली फन टॉकिंग टू ऑल एंड इतना कैजुअल था तेरे को डर लग रहा था बिल्कुल नहीं नहीं एक साइड आप है एक साइड हस्बैंड है तो डर किसका फिर मैं चाय नहीं मिली टॉन्ट मारने में छोड़ते ही नहीं है लोग मेरे को चाय शाय में तो आयशा देखो चाय जाके भी पिलाती हूँ मैं बट थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम एंड निहाल थैंक यू यार सीरियसली थैंक्स टू यू दे आर वेरी नाइस दे आर वेरी हंबल Thank ये आई विश so मैं इनको भी मेरे इसमें ले लेती छत्रो छाया में ईएस के नहीं हमारे बंदे बट मेरी दोस्त मरीना के हैं एंड दे हैव बीन इनक्रेडिबल एंड आई एम श्योर दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू टर्न आउट रियली वेल सो गाइस बिफोर वी रैप अप ओके अभी तक मेरी तारीफ हुई अब दोनों की बट आपकी भी तारीफ करना कंपलसरी है राइट माय पल्लू इज रेडी स्टार्ट Not compulsory, दिल से ही है. But what for myself, only one everyone. sentence. Haan. You are the best. Yes. You are amazing. Thank you so much. And thanks to you and your hubby both. Thank you. He is such a lovely person. Nice. And I know. उनका भी आपके लिए बहुत support है. We have been seeing your videos. Yeah. So he also supports me. And again, आपका जो हमारे लिए support है, what you give to the ES community, इतने ideas आते हैं, इतने सारे meetings, इतने सारे events होते हैं. We really love it. I love and you. The support you give to each and everyone. ऐसा नहीं कुछ partiality हो रही है and all. You give the support to everyone. इसलिए आपके साथ आना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. So really, hats off to you. I love you. You girls are like family यहाँ पे. Family अभी from family बोलते हैं ना. हाँ. वैसे हो तुम लोग सारे. अभी मेरे को कोई नहीं है अभी यहाँ पे. तो इसीलिए मैं अपना जान देती हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे को उससे ज़्यादा देते हो. निहारिका टूर्स एक उनका फाइनल लुक फटाफट से दिखा दो निहारिका इज इनकम्प्लीट विदाउट हर हैट एंड हर ग्लासेस सो देयर वी गो दाल दे तेरा दिख उसने आज निहाल को भी पिना दिया निहाल इज सपोर्टिंग वेयर आर योर ग्लासेस निहाल आई डोंट वेयर मच दे आर ऑलवेज इन द कार हां सो माय हस्बैंड इज कमिंग टू द रेस्क्यू गिविंग हिम द ग्लासेस नाउ
देयर यू गो द बॉस यस एंड ब्रावो यार वी मस्ट थैंक यू गाइस ओह माय गुडनेस दे आर सो क्यूट एंड एडोरेबल Thank you so much, guys. Thank That's you. Chai Chai with Aisha. And if you wish to get featured in our next episode, please do let us know. You can also DM us on Instagram @teacher_AishaSheikh or @chaichaiwithaisha. Until we see you again. Bye. Thank you. Bye. I'm still a fan of Bollywood. You are. Chai Chai. Oh. Please have a seat.